सर प्रोफेसर दीपिका सिंह और आज करेंगे हम अपना टॉपिक दैट इज एक्यूट सिस्टाइटिस इसमें बेसिकली जब आपके पास ही आए का टॉपिक तो आप ना सीधा यहाँ से डेफिनेशन लिखना ये देखो मार्कर जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक दीज आर इन्फेक्शंस ऑकर इन द एब्सेंस ऑफ एनी एनाटमिक और फंक्शनल एबनोमेलिटी ऑफ यूरानरी ट्रैक्ट ठीक है दीज आर इन्फेक्शन ऑकर इन द एब्सेंस ऑफ एनी एनाटोमिक और फंक्शनल एबनोमैलिटी ऑफ द यूरानरी ट्रैक्ट ठीक है acute complication acute uncomplicated bacterial cystitis predominantly affecting affecting women ठीक है ये दो lines अप लिख दो that's enough basically women's में ज़्यादा होता है as compared to men क्यों क्योंकि जो हमारे women's में हमारा urethra होता है वो उसकी जो लेंथ होती है वो शॉर्ट होती है एंड मेंस में जो होती है ज़्यादा होती है एंड जो प्रोस्टेटिक जो सिक्रीशन होती है मेंस में वो जो होते हैं होती है उसमें एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ होती हैं ठीक है तो ये एडवांसमेंट हमारे मन को मिल जाती है इस एक्यूट सिस्टाइटिस से बचने के लिए ओके एक बार रीड कर लेते हैं बस जो लिखना है आपको सिर्फ उतना लिखना है कि अगर आएगा तो दीज आर इन्फेक्शंस ऑकर इन द एबसेंस ऑफ एनी एनाटमिक और एनाटमिक और फंक्शनल एब्नॉमालिटी ऑफ़ द यूरानरी ट्रैक्ट एक्यूट अनकॉम्प्लिकेटेड बैक्टीरियल predominantly प्रीडोमिनटली एफेक्टिव वूमेन ठीक है जो असेंडिंग फिकल होता है ना ये देखो असेंडिंग जो फिकल होता है पेरीनियल उसके पेरीनियल में ठीक है यूरेट्रल रूट इज़ अ प्राइमरी सोर्स ऑफ इन्फेक्शन ये सारे जो है प्राइमरी सोर्स होते हैं हमारे इन्फेक्शन के ठीक है मैंने इसे प्रोटेक्टेड है मैंने आपको बता दें ना पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म में आपसे ते एक ग्लैपेला प्रोटीस डन क्लिनिकल फीचर क्लिनिकल फीचर में इरीटेटिव वर्डिंग सिंड्रोम सिम्टम्स सॉरी इरीटेटिंग वर्डिंग सिम्टम्स हो गया फ्रीक्वेंसी जो फ्रीक्वेंसी हो गया अर्जिसी हो गया एंड डिस यूरिया जो होता है बहुत ज़्यादा कॉमन होता है ठीक है फडू इसका फडू याद करो एक्यूट सिस्टाइटिस में क्या होता है फडू होता है क्लिनिकल सिम्टम फ्रीक्वेंसी डिस एंड अर्जेंसी ठीक है वर्डिंग सिम्टम्स आपको देखने को मिलते हैं ओके okay? अद हॉल मार्क ऑफ सिस्टाइटिस ठीक है हॉल मार्क ऑफ सिस्टाइटिस का फडू है फ्रीक्वेंसी अर्जेंसी एंड डिस यूरिया ओके नाउ लो बेक होता है सुप्रा पेल्विक पेन होता है अदर कॉम्प्लिकेशन होते हैं फीवर एंड अदर कॉन्स्टिट्यूशनल सिम्टम्स आर यूजली प्रेजेंट फिजिकल एग्जामिनेशन में फ्रीकवेंटली अन रिमार्केबल एक्सेप्ट फॉर द सुप्रा प्यबिक टेंडेस ठीक है तो सुप्रपबिक टेंडनिस जो होते दे हैं देखने को मिलती है ठीक है वो अनमार्केबल होती है तो स देखने को मिलती है ठीक है तो बेसिकली आप इसमें फिजिकल फीचर जो आएगा उसमें आप ये लिखोगे हॉलमार्क इसके बस तीन है फडू फट फड़ जाते हैं की दैट इज़ बंदी की क्योंकि वो में ज़्यादा कॉमन है फडू है फ्रीकवेंसी डिसयूरिया एंड अर्जेंसी ये जो हॉलमार्क सिम्टम्स है लो बैक पेन हो गया सुप्रा पैल्विक पेन हो गया टेंडरनेस हो टेंडरनेस हो गई वहाँ पे देखने को मिलते हैं फीवर हो गया और कॉन्स्टिट्यूशनल सिम्टम्स आपको देखने को मिलते हैं नाउ डायग्नोसिस डायग्नोसिस में आप दोबारा पॉइंट तो हो गए यूरानीरी माइक्रोस्कोपी माइक्रोस्कोपी करवाओगे इज़ अ मेन स्टे ऑफ डायग्नोसिस ठीक है क्योंकि उसी में आपको बैक्टीरिया जो कि डिटेक्ट होंगे डायग्नोसिस स्ट्रांगली कंसार्ड पॉजिटिव इन द माइक्रोस्कोपी शो मोर देन डब्ल्यू जो फाइव डब्लू बी सी पर हाई पावर फील इन द फीमेल एंड टू टू थ्री डब्ल्यू बी सी पर हाई पावर फील इन द मेल्स ठीक है क्योंकि अगर बॉडी में हमारे कोई इन्फेक्शन है तो बेसिकली डब्लू बी सी का अमाउंट जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे तो इस चीज़ से हम इसे कैलकुलेट करेंगे और यूरिन कल्चर जो होगा नॉट ओनली कंफर्म द डायग्नोसिस वो बैक्टीरिया को डायग्नोस नहीं करेगा बट ओनली आइडेंटिफाई द पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म जो पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है जैसे उन्होंने बताया ई क्लाइको क्ल क्लप्सला हो गया प्रोटीज हो गया उसको भी प्रोटीन होगा उसको भी डिटेक्ट करेगा कौन सा ऑर्गेनिज्म में ठीक है अदर टेस्ट एंड इमेजिंग स्टडीज आर नॉट इंडिकेटेड इन एनी अनकॉम्प्लीकेटेड इन्फेक्शन पेशेंट प्रेजेंट विद द रिकेंट एपिसोड जो रिकरेंट एपिसोड होगा उससे प्रेजेंट होंगे ठीक है नो मैनेजमेंट मैनेजमेंट जो होगा उसमें कहेंगे एंटीबायोटिक थेरेपी करेंगे बेस्ड ऑन द कल्चर एंड सेंसिटिविटी रिपोर्ट गिवन फॉर द पीरियड ऑफ सेवन टू टेन इज़ क्यूरेटिव बेसिकली क्यूरेटिव यही है कि एंटीबायोटिक थेरेपी हम देते हैं पेशेंट को ठीक है सेवन टू टेन डेज़ के लिए सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट जैसे फीवर है तो हमने एंटीबायोटिक दे दी यूरानरी एनर्जी हो गया एंटी इज बाल मे हेल्प ओके सो यहाँ पर हमने अपना टॉपिक कर लिया एक्यूट सिस्टाटस सो थैंक यू सो मच फर वॉचिंग दिस वीडियोज टे कनेक्टेड फ्रॉम होम वीडियोज़ कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में लिखे आई हेल्प यू एज मच एज पॉसिबल थैंक यू